हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलियानवर कुरैशी। आज फिर से एक नया विषय आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा विषय है। आज हम इंजेक्शन एविल के बारे में यूज करेंगे, बात करेंगे। इंजेक्शन एविल का जो कंटेंट है, इसमें जो है फेनारामाइन मिलेट, ये कंटेंट होता है दोस्तों। और इसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे कि इसको यूज क्या में होता है, इसको कितना देना है, ये कैसे देना है, कब देना है, कौन से कंडीशन में देना है, उसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे दोस्तों। तो है इंजेक्शन एविल दोस्तों, ये है 30 ml का वाइल। तो ये 30 ml का वाइल है, इसमें फेनारामाइन मिलेट ये इंजेक्शन है। इसी में एम्पुल भी मिलता है। एम्पुल जो है 2 cc का होता है। इसमें each ml contains 22.35 mg। तो हम 2 cc ये इंजेक्शन को पेशेंट को देते हैं, मतलब लगभग 45 mg इतना हम जो है पेशेंट को इंजेक्शन एविल देते हैं। इंजेक्शन एविल कब कब देते हैं, क्यों क्यों देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंजेक्शन एविल जो है ये एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जिक कंडीशन जब भी रहती है आपको, जब आपके हिस्टामाइंस पड़ते हैं, इसको दोस्तों एंटी हिस्टामाइन बोलते हैं। एंटी हिस्टामाइन मतलब H1 ब्लॉकर्स। आपको जब सर्दी होती है, खांसी होती है या किसी प्रकार की भी एलर्जी होती है, तो हम आपको ये एविल इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में भी देते हैं दोस्तों। आपने मार्केट में या कोई भी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन जब देते हैं, तो उसमें देखा होगा कि सिनारेस्टेट टैबलेट दिया जाता है या विकोरिल दिया जाता है, तो उसमें भी एविल ये कंटेंट होता है दोस्तों। तो वो क्यों देते हैं, क्योंकि आपको जो एलर्जी हुई है नाक की या सर्दी की जो भी, वो कम हो, इसलिए आपको जो है इंजेक्शन एविल या टैबलेट एविल सिनारेस्ट के फॉर्म में या सेपरेट भी ये मिलती है दोस्तों 25 mg के फॉर्म में। दोस्तों इसी के साथ जो है इंजेक्शन एविल का और एक रोल है। जब आपको कोई प्रकार की एलर्जी होती है, कोई प्रकार का अर्टिकेरिया, मतलब आपका आंग किसी चीज़ से आपका आंग खुजा रहा है, मतलब आपको इचिंग हो रही है, इसको बोलते हैं हम स्किन डिसीजेस। स्किन प्रॉब्लम में भी इंजेक्शन एविल अगर दिया जाएगा तो आपका जो इचिंग है, आपका जो खुजली है, वो कम होगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम एविल इंजेक्शन जो है इचिंग या स्किन डिसीजेस में भी वापरते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, अगर समझो दोस्तों आपको किसी टैबलेट की या किसी इंजेक्शन की या किसी आईवी का एलर्जी आया है, एनाफिलेटिक रिएक्शन आया है, आपको रिएक्शन बोलते हैं उसको, रिएक्शन के बारे में आपको मालूम होगा, रिएक्शन आता है तो आपको उस टाइम पे दम लगता है, आपका बीपी जो है बढ़ जाता है, पल्स रेट, आपका बीपी कम होता है सॉरी, और आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तो उसको हम एनाफिलेटिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन अगर किसी चीज़ की आएगी तो उस कंडीशन में भी हम एविल इंजेक्शन देते हैं, और उसी के साथ इंजेक्शन डेक्सा भी देते हैं। तो एविल इंजेक्शन जो है ये एक संजीवनी है दोस्तों। इसका यूज़ जो है हर डॉक्टर ने और हर पेशेंट के ऊपर करना चाहिए। पेशेंट्स तो डॉक्टर के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लेंगे। तो एविल इंजेक्शन का होप मेरा जो आपको बात है वो समझ में आई होगी। और आप दोस्तों, एविल इंजेक्शन ये कमर में IM जिसको हम बोलते हैं वैसे भी दिया जाता है, और ये IV इंट्रावेस्कुलर इंट्रावेनस इस प्रकार से भी ये इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों एविल इंजेक्शन जो है एक फिनामिनल इंजेक्शन है, और इस इंजेक्शन से कई पेशेंट्स के और कई रोगन की जान बच सकती है दोस्तों। दोस्तों एविल इंजेक्शन या टैबलेट, दोस्तों टैबलेट इंजेक्ट एविल टैबलेट और डेक्सामेथासोन टैबलेट आपने अपने घर पर भी रखना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की भी रिएक्शन आए तो आप ये 2 tablets लेकर इमिडिएटली हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलियानवर कुरैशी साइनिंग ऑफ। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो।